इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किसे कहते हैं, ये टेक्निक हम क्यों परफॉर्म करते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सेल में आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज की जाती है। यहाँ पर हम आरएनए की जगह जीन एक्सप्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि सेल में जीन के एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करते हैं। जीन एक्सप्रेशन वर्ड का क्या मीनिंग हुआ? जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए के एक्सप्रेशन से आरएनए सिंथेसाइज होता है। यहाँ पर हम डीएनए की बात ना करके अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स के एक्सप्रेशन से आरएनए सिंथेसिस होती है। तो यानी किस जीन ने कितना एक्सप्रेशन शो किया, यानी एक्सप्रेशन के बाद किसी जीन के एक्सप्रेशन के बाद कितना आरएनए सिंथेसाइज हुआ, ये हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ किसी कैंसर सेल की बात करें तो कैंसर सेल में ट्यूमर सप्रेसर जीन का कम एक्सप्रेशन होता है और ऑन्कोजीन्स ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं। तो अगर सपोज किसी कैंसर सेल में आप किसी स्पेसिफिक जीन को स्टडी करना चाहते हैं कि इस जीन का कितना एक्सप्रेशन होता है किसी कैंसर सेल में, तो वो स्टडी हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से परफॉर्म करते हैं। या फिर सपोज कैंसर सेल को अगर आप किसी थेरेपी से ट्रीट करते हैं, कोई ड्रग अप्लाई की किसी कैंसर सेल लाइन पर या कैंसर पर, तो आप ये देखते हैं कि ड्रग की वजह से कौन कौन से जीन के एक्सप्रेशन में चेंजेस आए, कोई जीन ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ या कम एक्सप्रेस हुआ। तो इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म की जाती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें हम सबसे पहले सेल से आरएनए को आइसोलेट करना चाहते हैं, क्योंकि आरएनए के एक्सप्रेशन को ही हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले सेल से आरएनए को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद हम इस आरएनए के सैंपल पर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेम उसी तरह से हम रन करते हैं जैसे हम डीएनए के सेपरेशन के लिए रन करते हैं। तो जब हम इस आरएनए के सैंपल पर एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं तो आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेपरेशन जेल में मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर होता है। जो लार्ज साइज आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो जेल में स्लो मूव करते हैं और जो स्मॉल साइज आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेल में फास्ट मूव करते हैं। तो इस तरह से आरएनए मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर जेल में सेपरेट हो जाता है। लेकिन जब हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करने के लिए जो जेल प्रिपेयर करते हैं, हम इस जेल में हम एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जो कि होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि आरएनए एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और आरएनए ज़्यादातर सेकेंडरी फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पर जब हम आरएनए को आइसोलेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि आरएनए लीनियर फॉर्म में रहे। तो आरएनए की फॉर्म को लीनियर फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए जब जेल में आरएनए सेपरेट होता है वो लीनियर फॉर्म में रहे जेल में, तो इसलिए हम इस जेल में फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड आरएनए की लीनियर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम करता है। जब यहाँ जेल में आरएनए का सेपरेशन हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लॉटिंग परफॉर्म करना। ब्लॉटिंग का क्या मतलब होता है? ब्लॉटिंग का मतलब कि आरएनए को हम जेल से मैम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ स्पेशल टाइप की मैम्ब्रेन यूज़ की जाती है जैसे नायलॉन मैम्ब्रेन एंड नाइट्रोसेलुलोज मैम्ब्रेन। ये मैम्ब्रेन स्पेशल रहती हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल इन मैम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग शो करते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इस तरह के मॉलिक्यूल इन मैम्ब्रेन के साथ बाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मैम्ब्रेन पर यहाँ से जेल से आरएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करने के लिए हम ट्रे लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये ट्रे है, इस ट्रे में हम ट्रांसफ़र बफर फिल करते हैं। ट्रांसफ़र बफर फिल करने के बाद हमें इस जेल के सपोर्ट के लिए एक सपोर्ट चाहिए रहता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर स्पॉन्ज ले लेते हैं, ये स्पॉन्ज जेल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद स्पॉन्ज के बाद हम जेल रखते हैं। इस जेल में ये सेम जेल होता है जिसमें आरएनए का सेपरेशन मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हो चुका होता है। जेल के सेम साइज की, इसके बाद हम जेल का जो साइज है सेम उसी साइज की मैम्ब्रेन रखते हैं। यहाँ पर ये मैम्ब्रेन है, ज़्यादातर नायलॉन मैम्ब्रेन यूज़ की जाती है क्योंकि नायलॉन मैम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ। नायलॉन मैम्ब्रेन रखने के बाद हम यहाँ पर वॉटमैन पेपर एंड पेपर टॉल्स रखते हैं और इसके बाद हम पेपर टॉल्स रखने के बाद एक वेट रखते हैं ताकि ये जो स्टैक है ये हल्का सा प्रेस हो सके, ताकि जेल से जो आरएनए के मॉलिक्यूल है वो मैम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद जब हम ये पूरा स्टैक फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र बफर यहाँ पर होता है, ये ट्रांसफ़र बफर वाया कैपिलरी एक्शन इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है।
तो जब यहाँ पर बफर इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, तो जब ये बफर जेल तक पहुँचता है, तो जेल में जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बफर के साथ मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बफर की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। तो जेल में जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मेम्ब्रेन पर बफर के साथ साथ मेम्ब्रेन की तरफ पास हो जाएंगे, और मेम्ब्रेन पर पहुँचते ही मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पेपर टाल्स वेट हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें क्लियर रहता है कि ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ से अपनी मैम्ब्रेन को निकाल लेते हैं, और अब इस मैम्ब्रेन पर, जैसे यहाँ ये मैम्ब्रेन है नायलॉन मैम्ब्रेन, अब इस मैम्ब्रेन पर सेम जिस पैटर्न में आरएनए के मॉलिक्यूल्स जेल में होते हैं, सेम उसी पैटर्न में आरएनए मैम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र हो चुका होता है। इस ट्रांसफ़र होने के बाद, जब मैम्ब्रेन पर आरएनए के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, उसके बाद हम इस मैम्ब्रेन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए हम यूवी लाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो मैम्ब्रेन से अच्छी तरह बाइंड हो सके। फिक्सेशन के बाद हम यहाँ से मैम्ब्रेन को लेते हैं और मैम्ब्रेन को एक प्रोब सॉल्यूशन में रखते हैं। जैसे यहाँ ये ट्रे है, ट्रे में ये प्रोब सॉल्यूशन है, और इस प्रोब सॉल्यूशन में हम यहाँ पर मैम्ब्रेन को रख देते हैं। तो ये प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स होते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जैसे कि लगभग 100 टू 150 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होती है, जो कि एक डिटेक्टर मॉलिक्यूल के साथ टैग्ड रहती है। डिटेक्टर मॉलिक्यूल जैसे कि रेडियो लेबल्ड किसी डिटेक्टर मॉलिक्यूल से टैग्ड रहती है, ये 100 टू 150 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस, और ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या? जिस जीन को हम एनालाइज करना चाहते हैं, जिस जीन के आरएनए को हम, जीन से एक्सप्रेस होकर आरएनए सिंथेसाइज हुआ, इस आरएनए की क्या सीक्वेंस हो सकती है ये हमें नोन होता है। तो इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हम सीक्वेंस या तो मार्केट से परचेज करते हैं या हम डिज़ाइन कराते हैं। तो ये प्रोब्स आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती हैं। तो जब हम यहाँ पर मैम्ब्रेन को प्रोब सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो प्रोब, अगर इस मैम्ब्रेन पर प्रोब के स्पेसिफिक आरएनए है, अगर यहाँ पर ये सपोज ये आरएनए मॉलिक्यूल, ये आरएनए मॉलिक्यूल प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस शो करता है, तो प्रोब इस आरएनए के साथ आकर हाइब्रिडाइज करता है। और अगर सपोज आरएनए मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब हम जिस आरएनए को एनालाइज करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो यानी वो आरएनए मॉलिक्यूल इस मैम्ब्रेन पर नहीं है, जब एक्सप्रेशन ही नहीं हुआ, तो उस केस में प्रोब बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो अगर मैम्ब्रेन पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, इट मीन्स जिस जीन की हम स्टडी करना चाहते हैं उस जीन ने लेस एक्सप्रेशन शो किया है, या वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। और अगर एक्सप्रेशन है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है मैम्ब्रेन पर, तो यानी जो जीन हम स्टडी करना चाहते हैं उस जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, और कितने अमाउंट में एक्सप्रेशन हुआ है वो भी हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस के साथ आकर बाइंड करके हाइब्रिडाइज करता है, तो प्रोब एक, क्योंकि डिटेक्टर मॉलिक्यूल से टैग्ड रहता है, किसी रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल से टैग्ड रहता है, तो इस रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल की हेल्प से हम यहाँ पर इस आरएनए के बैंड को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी परफॉर्म करके इस जो ये मैम्ब्रेन है, इस मैम्ब्रेन के ग्राफ को एक्सरे फिल्म पर डेवलप करते हैं। तो इस तरह से आरएनए के एक्सप्रेशन से, आरएनए के एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं।